जो साष्टांग नमस्कार, जो रॉयल फैमिली पीपल जो साष्टांग नमस्कार मैंने तो जो कॉर्निस हैं और जो फाउंडेशन डलता है सेकेंड प्रौढ़ा देवर आया सेकेंड प्रौढ़ा देवर आने 1426 to 1446 तक स्टिल 20 ईयर्स इधर रूल करता है वो समय पे इधर का इसका नाम था विठलेश्वरा इस शासन में विठलेश्वरा हाँ इधर एक गर्भगुड़ी एक ही बनाता है और होने के बाद में 15th सेंचुरी में राजा कृष्णदेव ने जो रूल स्टार्ट करता है वो समय पे इधर टेम्पल याड करता जाता है राजा कृष्णदेवराय इधर देख सकते हैं मेन जो गोपुर आ गया ना जो कृष्णदेवराय एंट्रेंस एकदम मेन एंट्रेंस है ये दो इधर एग्जिट एंट्रेंस है एक तिरुमला देवी एंट्रेंस और चिन्ना देवी एंट्रेंस इसका जो अराउंड जो ये वॉल दिख रहा है ना वो कृष्णदेवराय समय पे बना हुआ है और कृष्णदेवराय ने उड़ीसा का राजा जो गजपति प्रताप रुद्र वर्मा पर जो अटैक करता है अटैक करने का जो अभी उड़ीसा है ना उड़ीसा उधर महाबली कोणार्क टेम्पल जो कोणार्क टेम्पल में जो उधर एक चौरेट का मंदिर है ऐसा वाला उधर से जो इंस्पिरेशन होके इधर आके ऐसा एक चौरेट बनाता है जो 1513 पे बना हुआ है ऐसा चौरेट का जो बहुत सुंदर था इधर जो अलेक्जेंडर जॉन कैवेलिस ने 1856 में ये इंग्लैंड से आता है उन्हें जो जो फोटोग्राफी किया है इसके ऊपर एक शिखर था ऐसा जो शिखर इसको रिमूव करके उधर रख दिया अभी भी जो हम्पी ओल्ड इमेजेस पे गूगल पे देखा है तो वो इमेजेस आप देख सकते हैं नहीं तो कमलापुर पे जो म्यूजियम है म्यूजियम में भी अवेलेबल वो फोटोज और इसका बाजू में आप जो रुका है ना इसका नाम है कल्याण मंडप मैरिज हॉल जो विष्णु फॉलोअर्स थे ना उन लोगों का जो मैरिज होना है तो इसको यूज करते थे शादी वगैरह होना है तो इसका वेरी स्पेशलिटी है इसका अंदर जो पुराना जमाने में जो पेंट किया है अर्बल पेंटिंग अभी भी देख सकते हैं ग्रीन अर्बल पेंटिंग और महाभारत स्टोरी कृष्णा स्टोरी अंडर रामायण स्टोरी भक्त प्रहलाद स्टोरी इसका जो ऊपर जो कार्विंग्स किया है अच्छा। बाद में आपको जो बताता हूँ ऐसा चलेंगे अंदर ओके इधर देखो इधर फ्रंट पे दिख रहा है ना हम्पी जो आइकॉनिक टेंपल विजय विठल टेंपल हम्पी देखने जैसे जो आता है ना बहुत लोग पहले इसको विजिट करते हैं मतलब अभी जो 50 रुपये नोट आया ना 50 रुपये नोट के ऊपर ए चौरेट देख सकते हैं हम्पी में और इसका जो फ्रंट पे देखो म्यूजिकल पिलर जो म्यूजिकल एक पिलर में जो 16 पिलर्स है ऐसा जो 16 पिलर्स में जो सारी गमा पदानी से जो टून्स आता है अभी जो वर्किंग प्रोग्रेस में उस वजह से इसके अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं है अभी जो यूट्यूब पे एक वीडियो है उसको दो दिखाता हूँ आपको ऐसा जो बजा देता है इसके ऊपर ही छोटा छोटा पिलर्स जो 16 है उसको संगीत मंडप बोलते हैं मतलब जो राजा कृष्णदेवराय ने इधर दो वाइफ थी राजा का चिन्नम्मा देवी एंड तिरुमला देवी चिन्नम्मा देवी इज द फर्स्ट वाइफ एंड लोअर कास्ट उसको राजा ने पहला जो संगीत मंडप बनाता है इसको जो बहुत प्यार था डांसिंग एंड स्विमिंग पहले हम देख के आ गए ना क्वींस पार्क वो चिन्नम्मा देवी के लिए और इधर रहने का जो संगीत मंडप भी चिन्नम्मा देवी के लिए वो 56 म्यूजिकल पिलर्स 56 जो म्यूजिशियंस थे उधर एक एक आदमी एक एक पिलर के सामने खड़ा होने का सैंडलवुड स्टिक लेने का बजाने का वो मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन पे होता था इधर से जो बजा है तो इसका जो ट्यून्स इधर से 1.5 किलोमीटर जो म्यूजिकल रहने का जो प्रैक्टिस करते थे ना उन लोग गजल मंडप उधर तक सुना देता इधर से उधर तक ऐसा देखो 1565 में इधर जो बहुमनी सुल्तान लोग आके अटैक करते हैं शाही सुल्तान बहुमनी सुल्तान वो लोग इधर अटैक करने के बाद में इधर मिडिल पे रहने का जो सीलिंग जो चैरेट का फ्रंट पे जो ऑर्स का स्टैचू था वो सारे डिस्ट्रॉयड करता है जो कैसा जो मतलब जो इधर रहने का जो वेस्ट लकड़ी सारे इसके अंदर जाके इसको फायर करने से इसको सीलिंग गिर जाता है वीक हो जाता है हाँ। अभी तक जो वर्किंग प्रोग्रेस में 2070 में इसको जो रीबिल्ड करने के लिए इधर एक दो पिलर्स लेके आ गया जो नया पिलर्स देख सकते हो
और थोड़ा नज़दीक चलेंगे, इसका जो अर्बल पेंटिंग किया है 500 ईयर्स बैक ओल्ड अर्बल पेंटिंग देखेंगे उधर। इधर रात में आते हैं लोग, फिर लाइट्स लगा के रखा है। उत्सव फेस्टिवल होता है ईयरली नवंबर मंथ में, जो हम्पी उत्सव फेस्टिवल समय पे इधर जो नाइट बाई हम्पी चलता है, नाइट समय पे जो विजिटर्स आके ऐसा जो देख के जा सकते हैं, जो लाइटिंग सिस्टम उसके लिए ऐसा जो लाइट का है। अच्छा, उसके लिए ऊपर जो फ्रंट पे ऐसा जो मंडप का लाइटिंग सिस्टम देख सकते। अच्छा, तो वो खाली नाइट टाइम तभी अलाउड है? नाइट टाइम ओनली फॉर फेस्टिवल्स, 3 डेज ईयरली 3 डेज। ओके, कब है डेट? कब है? नवंबर फर्स्ट वीक और लास्ट वीक रहता है नवंबर मंथ। देखो ये बहुत लोग बोलते हैं ये मोनोलिथिक रहता है, दिस इज नॉट मोनोलिथिक। मतलब देखो ऐसा जो थ्री फ्लोर से देख सकते हैं, अपर लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। ऐसे तो 24 जो पीसेस स्टोन सेट करके बना हुए ऐसा। Okay. जो कोणार्क टेम्पल है ना, कोणार्क टेम्पल में ऐसे जो चैरेट है, सेम स्ट्रक्चर का चैरेट राजा ने इधर बिल्ड किया। वो समय पे ये ऐसा जो इधर टेम्पल ब्यूटी के लिए बना हुआ है। मतलब जो विष्णु मंदिर है ना, विष्णु मंदिर का जो चैरेट का मतलब वेरी स्पेशलिटी गरुड़ा का रहता है। जो विष्णु का व्हीकल इस गरुड़ा, इधर इसका अंदर गरुड़ा का स्टैचू हम देख सकते हैं। ओके, पुराने जमा में इसको जो पेंट कर रहा था अर्बल पेंटिंग, येल्लो ग्रीन एंड रेड देख सकते आप। देखो ये भी है, वो ये भी है या नहीं? नहीं, वो समय का है, वही समय। हाँ देखो इधर नीचे नीचे थोड़ा अर्बल पेंट മേളത്തെ ശരിക്കും ബഹുത് വിജിറ്റർസ് ആയാലും ഓ സമയ പേ ഇത് മതലബ് ആക്കെ ഐസോ വീൽ മൂവ് കെ മൂവ് കെ 3 ഇഞ്ചസ് ഗ്യാപ് ആ ഗാ 2004 പേ ഫിർ ഭി ഇസ്കോ സിമെന്റ് ലഗാ കെ ഫിർ ഭി ക്ലോസ് കർതാ ഔർ വീൽ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ദേഖോ വെരി സ്പെഷ്യൽ ഹൈ ഹംപി മേ इधर व्हील लॉकिंग सिस्टम, अरे एक चैरेट का जो व्हील लॉक इधर रहता है ना, ऐसा जो होल्स बन के ऐसा लॉकिंग करता है, बट इधर व्हील लॉकिंग सिस्टम। तो ये एक बार अगर बन गया तो दूसरा बनेगा नहीं? इससे लॉक कैसे होता है? वो ऐसा व्हील सेट करके इसके ऊपर इसको डाला है, व्हील लॉक हो गया। तो ये अगर खराब हो गया तो इसको कुछ कर नहीं सकते? कर सकते, अभी वो तो टूट गया उसको। और कोई बोल रहा है 3 इंच का गैप आ गया, अबे उसके लिए बंद किया था। देखो 15-6 पे अटैक होने के बाद में लोगों ने इधर 3 मंथ्स अटैक करते हैं, 3 मंथ्स अटैक करने से इधर फ्रंट रहने का ये सारा डिस्टर्ब हो गया। इधर तो 4 पिलर्स था, 4 पिलर्स भी डिस्टर्ब हो गया। देखो क्या ये वाला हॉर्स का स्टैचू था, अरे एक चैरेट का फ्रंट पे क्या रहता है, हॉर्स का चैरेट रहता है। हॉर्स का जो स्टैचू रहता है ना, लोग अटैक करने के बाद में इधर सारे हॉर्स का जो जंपिंग जो स्टैचू डिस्टर्ब होने के बाद में लोगों ने डिपार्टमेंट वाले ने 1970 में इसको इधर एक्सहिबिशन समय पे जो मिला हुआ है सो एलिफेंट का स्टैचू रखा हुआ है। ओ प्रॉपर क्या था इधर देख सकते हैं, लेग ऑफ टेल हॉर्स का दोनों। ओके ऊपर एक कड़ा हुआ है मूर्ति है ना, विटोबा विट्टला, अंदर भी वही है और गरुड़ा का स्टैचू है, गरुड़ा मीन्स व्हीकल, विष्णु व्हीकल। ये विटोबा का स्टैचू इधर देख सकते, सेम मूर्ति विष्णु रुक्मिणी का मूर्ति इधर था, अभी ये मूर्ति इधर नहीं है, महाराष्ट्र पंढरपुर विठल मंदिर है ना उधर देख सकते हैं, इधर से उधर लेके गए, उधर इधर से उधर लेके चलते हैं। नहीं 1565 होने के बाद इधर जो पुरंदर दास करते हैं उन लोगों ने शिफ्ट करता है, तो जगह बदलते हैं उन लोग। पंढरपुर मंदिर है, पंढरपुर विठल मंदिर तो इन फ्रंट पे हम टेंपल का इन फ्रंट पे बढ़िया जो बाज़ार देखा है ना, जो विटाला बाज़ार मैंने आपको पहला बोल दिया, इधर जो पर्शियंस अरबियंस और इटालियंस चाइनीज इधर आके जो घोड़ा सेल करने के लिए आता था, उन लोगों का कार्विंग्स इधर देख सकते हैं आप। इस तरफ आ जाइए तो देखो
ये सारे जो सेल और सेल के लिए आते थे और सेलिंग के लिए। इधर देख सकते हैं इसका ड्रेस कोड से हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये चाइनीज है, तो जर्मन, मंगोलियंस एंड इटालियंस। तो दूसरा कंट्री से आके इधर जो सेलिंग होता था और सेलिंग होता था इधर तक। ऐसे जो ऑर्स खरीदना है तो उन लोगों पहले जो ऑर्स का जो बॉडी फिजिकल फिटनेस चेक कर देते हैं। इधर देखो कैसा जो चेकिंग होता है। ऐसे जो ऑर्स पहले जो टीथ चेक करने का, एक सैनिक ने, एक आर्मी का आदमी ने इधर टीथ चेक कर, टीथ चेक होने के बाद में इसका बाजू में लेग जंपिंग, देख रहे हैं ना एक गोर्डन है ऐसा जो जंप कर रहा है देखो। ऐसा जो जंप होने के बाद में इधर इसका जो आइस भी चेक करता है। आइस चेकिंग होने के बाद में ऐसा जो सैनिक लोग आके लेके आके इधर जो राजा जो बैठा हुआ है ऐसा देखो राजा को जो बोलता है ये जो आस कंडीशन रहे तो राजे का पास लेके जाने का, राजा ने वो घोड़ा खरीदने का ऐसा एक सिस्टम होता था। वो जमाने में जो पैसा अभी जो रुपीस है ना वो जमाने में जो रुपीस नहीं था उसको जो वरह बोलते हैं। इधर देख सकते हैं ये वाला ऐसा जो वरह देख खरीदता खरीदता था। ठीक है इधर आ जाइए सभी। इधर आ जाइए। इधर रानी जो चिन्नम्मा देवी का स्टैचू आप देख सकते हैं इसका अंदर क्वीन चिन्नम्मा देवी। इधर देखो डांसिंग पोज पे है ना। रानी चिन्नम्मा देवी, चिन्नम्मा देवी को राजा कृष्ण देवराय ने जो पैर करके ऐसा जो बढ़िया जो मंडप बनाया था 15th century पे होता। ऐसा जो ये बढ़िया जो पिलर है ना पिलर पे ऐसा छोटा छोटा पिलर 16 pillars है म्यूजिकल पिलर्स स्पेशली। इधर तो माइक्रो कार्विंग्स देख सकते हैं ऐसे जो छोटा 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 माइक्रो कार्विंग्स है। ऐसे जो माइक्रो कार्विंग्स पे तो वो जमाने का जो गरुड़ा का मूर्ति बुद्ध का स्टैचू देख सकते हैं और उन्होंने कहा उसमें और छोटा जो छोटा सा होल्स बना दिया। देखो इधर जो हमारा पेन डाल रहा है ना इतना जो छोटा सा जो होल्स पे है देख लो ऐसा जो छोटा होल्स पे क्या करता था ऊपर उधर दिख रहा है ना रिंग्स ऐसा रिंग्स जो पर्दा बांधता था। Okay. और राजा का रानी थी चिन्नम्मा देवी जो डांसिंग करती थी ना वो डांस तो बंद कर जो पब्लिक देखने के लिए अलाउड नहीं था उसके लिए ऐसा जो पर्दा बांधने के लिए नीचे लॉकिंग सिस्टम है वाला ऐसा जो पर्दा लॉकिंग के लिए अच्छा लूप्स लगाने के लिए वो जगह था। और होने के बाद में मानसून टाइम पे स्पेशली जो मानसून समय पे क्या अच्छा से जो बारिश होता था बारिश होने से क्या होता है ये पिलर सारे क्लीन हो के जो पानी इधर और एक छोटा वॉल दिख रहा है देखो ये छोटा वॉल से पानी इसका अंदर से इधर तक आने का ये डायमंड्स है ऐसा छोटा छोटा डायमंड से जो पानी एक एक जो ड्रॉप इसका अंदर गिरने का स्ट्राइट इसका अंदर से बाहर आने का। अभी वाटर बॉटल है आपके पास मैं दिखा दूँ पानी खत्म हो गया ये जैसा डालेगा इधर से ड्रिप होके ये ड्रिप में से ये होल पे ये इधर आके गिरेगा इधर और इधर के ये होल से इधर से ये ऐसा चढ़ेगा कि इधर होल था इधर नहीं इधर से डायरेक्ट इधर गिरेगा ये छोटा होल दिख रहा है ना स्ट्राइट इसका ऊपर गिरता है फिर भी हवा के फोर्स से जाता रहेगा हवा का फोर्स ये देख लो ये देख रहा ये ऐसे ऐसे देखा तो ऐसे ही गिरेगा ना थोड़ा हवा से जब गिरना रहेगा तभी वो Yes, actually. किलो के कंडीट ना हम लोग हिस्ट्री स्कूली पढ़ के बैठे हैं ना हम इंटरेस्ट होने पाए ना एक्चुअली ना ये देखो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन विजयनगर यू कैन आइडेंटिफाई हु इज दिस गाय ये ही इज अ फॉरेनर चाइनीज नो ये इज द कृष्णा देवराय यू आर आइडेंटिफाई सी द हैट हैट दिख रहा है ना हाँ ऐसा जो हैट जो किरीट बोलता है तिरुपति जो एंट्रेंस पे चिन्नम्मा देवी तिरुमला देवी विथ मिडिल पे कृष्णा देवर का आइडल देख सकते हैं पुतली
ऐसा जो स्टैचू है ना हम्पी में, एक कल्याण मंटपा, विरूपाक्ष टेम्पल और एक किंग बैलेंस का साथ तीन जगह पर हम्पी में देख सकते हैं। खुद कृष्णदेवर का स्टैचू, कृष्णदेवर जो ओडिशा का राजा गजपति प्रताप रुद्र वर्मा पर अटैक करता है ना, वो समय पर उसका जो ड्रेस कोड बदल दिया, ऐसा होता है। राजा कमांडर उसका जो आर्मी सोल्जर्स देख सकते हैं। इसका जो याली स्टैचू वेरी स्पेशल है, याली स्टैचू अगर उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ इधर, तो ऐसा जो छोटा छोटा सा जो ग्रीन कलर दिखता है देखो, ये अर्बल पेंटिंग है, वो जमाने का ग्रीन पेंटिंग, अर्बल पेंटिंग।